इंडस्ट्री में हमेशा से ही पॉपुलर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। जहां एक और खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस ने नाम कमाया है अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए, तो वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ ही काफी लाइमलाइट में बनी रही है। इसी बीच आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे कपल के बारे में जो बेहद ही सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित और उनके पति श्रीराम माधव नैने के बारे में। आखिरकार किस तरीके की लग्जरियस लाइफ ये दोनों जीते हैं, तो वहीं कितने करोड़ों के मालिक हैं श्रीराम माधव नैने। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें, जिस तरीके से माधुरी दीक्षित लाइमलाइट में बनी रहती हैं, उसी तरीके से उनके पति श्रीराम भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। दोनों को अक्सर इवेंट में साथ में देखा जाता है। जब भी माधुरी दीक्षित कभी अवार्ड फंक्शन में शिरकत करती हैं, तो उनके पति श्रीराम नैने भी उनके साथ मौजूद होते हैं। वहीं ये दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी देखे गए हैं। माधुरी दीक्षित को कई बार अपनी फैमिली के साथ स्पॉट भी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें श्रीराम माधव नैने के बारे में, तो श्रीराम माधव नैने का जन्म लंदन में हुआ था। 11 फरवरी 1966 को जन्मे थे श्रीराम। तो वहीं पेशे से देखा जाए तो वो एक डॉक्टर हैं। श्रीराम माधव नैने डिटर्मिनिस्टिक कार्डियोवास्कुलर सर्जन हैं, जिसके नाम से वो काफी मशहूर हैं, और मेडिकल लाइन में उन्हें करीब 21 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। वेल, आपको बता दें श्रीराम नैने एक डॉक्टर हैं, तो वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित के पति भी हैं, एक बेहद ही पॉपुलर एक्ट्रेस जिनके वो पति हैं। वहीं साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि माधुरी दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि श्रीराम को तो पता ही नहीं था कि वो इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्हें बाद में पता चला था अपनी पत्नी के बारे में। यदि यहाँ पर बात की जाए इनके करोड़ों की संपत्ति के बारे में, तो माधुरी दीक्षित के पति माधुरी के मुताबिक बहुत ही कम संपत्ति के मालिक हैं। माधुरी दीक्षित जहां एक और 248 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है, तो वहीं श्रीराम की कुल संपत्ति है 35 करोड़ रुपए। भले ही उनसे कम है, लेकिन करोड़ों के मालिक तो हैं श्रीराम नैने। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगा श्रीराम नैने के बारे में जानकर, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।